आज हम बनाएंगे मेहंदी का ऐसा पैक जिसमें आपकी बालों की कई समस्याएं दूर हो जाएंगी, जैसे हमारे बालों का सफ़ेद होना, हमारे बालों का झड़ना, रूखापन और हमारे बालों का लंबा ना होना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल वेदनुले का मिक्स कंटेंट। वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये मैंने लोहे की कढ़ाई, और ये लोहे की कढ़ाई मेहंदी के लिए बहुत बेस्ट है। मेहंदी ले लीजिए जो बालों के लिए है, तो मैंने यहाँ पर ये मेहंदी ली है। अब आपको कितनी मेहंदी चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें मेहंदी निकाल लीजिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये इतनी मेहंदी ले ली है। ये देखिए, ये अपने बालों के हिसाब से आप अपनी मेहंदी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें मिलाऊंगी, तो ये मैंने लिया है अपना भृंगराज पाउडर। यहाँ पर मैं एक चम्मच ले लूँगी। ये भृंगराज पाउडर आप पतंजलि का भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ KBS का लिया है। ये पूरी तरह हर्बल होता है और ये हमारे बालों को माने बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है और झड़ने से रोकता है। तो ये भृंगराज पाउडर मैं तो बोलूँगी फ्रेंड्स कि हमेशा ही आप यूज़ करिएगा। तो मैंने करीब यहाँ पर 2 चम्मच भृंगराज पाउडर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर अपना ऐड करूँगी हमारे सबसे अच्छे शिकाकाय, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी शिकाकाय। अब शिकाकाय कोई भी हर्बल कंपनी का ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शिकाकाय लूँगी 2 चम्मच। ये 2 चम्मच मैंने शिकाकाय ले लिया है। अब मैं यहाँ पर लूँगी दोस्तों गुड़हल का पाउडर। इससे क्या होता है, गुड़हल के पाउडर से जो हमारा कलर है ना, जैसे मुझे ज़्यादा ब्लैक नहीं चाहिए, थोड़ा सा शेडेड रेड रेड में चाहिए, तो मैं गुड़हल का पाउडर यूज़ करूँगी। और जो हम तेल बनाते हैं जैसे गुड़हल का, आप जानते होंगे, तो उसी का ये पाउडर भी है। तो गुड़हल तो बहुत गुड़कारी होता है हमारे बालों के लिए। तो यहाँ पर करीब मैंने 1 से 2 चम्मच गुड़हल पाउडर ले लेना है। तो ये मैंने गुड़हल पाउडर ले लिया। अब मैं इसमें लूँगी फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे प्याज का रस। आपको पता है मेरे प्याज में सल्फ़र पाया जाता है, विटामिन सी होता है, जो हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, जो हमारे बालों के को अच्छे से माने सफ़ेद होने से रोकता है, और जो हमारे बालों के में हमारे स्कल्प में जो हमारी रूसियाँ पड़ जाती हैं उससे हमें बचाता है। तो मैंने इसका रस लेना है जो मैंने पहले से निकाल के रखा है। आप इसे कद्दूकस कर लीजिए और इसका रस निकाल लीजिए, या तो आप मिक्सी में भी पीस कर इसका रस निकाल सकते हैं। तो ये मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी। तो ये मेरा ऐड हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, ये मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ले लूँगी हमारे पानी। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे भिगो दूँगी। ये देखिए, ऐसे करके आपको पूरे अच्छे से मेहंदी को भिगोना है। अब दोस्तों, मैंने इसमें रीठा का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि रीठा क्या हर किसी के बालों में सूट नहीं होता है। ऐसे मेरे बाल तो टूटते हैं रीठा से, तो आप इसमें रीठा भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा रीठा मेहंदी, ये मेरी मेहंदी। देखिए, ऐसे आपको भिगोना है। ये देखिए, मैं ऐड कर दूंगी दोस्तों नींबू। अब मैं इसमें नींबू ऐड कर रही हूँ। आप इसमें आंवला का जो पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, आंवला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें अपने नींबू ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने केयर कर दिया नींबू को ऐड। ये आपको पता है नींबू में भी विटामिन सी होता है, जो भरपूर मात्रा में जो हमारे बालों को, ये जो स्कल्प होते हैं उसमें से रूसियाँ वगैरह निकालता है। तो ये मैंने नींबू को ऐड कर दिया। और अगर आपके पास पाउडर है आंवले का, तो आंवले का भी आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच दही। ये मैं दही ऐड कर दिया है। ये देखिए, कहीं दही ऐड कर देंगे और ऐसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ पर लूँगी दोस्तों एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पर रेडीमेड जेल लिया है। आप चाहे तो जो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं उगे हुए, उसको आप तोड़ के, आपको उसमें से पल निकाल के आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, और इसे अब मैं 5-6 घंटे के लिए छोड़ दूंगी भीगने के लिए, और इसे मैं अच्छे से अपने बालों में अप्लाई कर लूँगी।
और अप्लाई करने के बाद मैं लगभग 1.5 से 2 घंटा इसे अपने बालों में लगे रहने दूंगी, और इसके बाद मैं अपने बालों को ठंडे पानी से धो लूँगी। ये देखिए, अब बालों को आप ठंडे पानी धोने के बाद फ्रेंड्स तेल लगा के फिर नेक्स्ट डे आप शैम्पू करिएगा। ये मेरा बोनस टिप है।